असलम दोस्तों इन्फॉर्मेटिव चैनल में खुश आहमदीद आज की इस वीडियो में हमने एस एफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कारपोल सत्ताईस तीन दो हज़ार इक्कीस को होने वाला पेपर जो है कि सॉल्व करना है वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बसानी मिल सके तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो सबसे पहले जो है कि हमारा पैटर्न इंग्लिश का है पेपर पैटर्न के हिसाब से जो है कि पंद्रह नंबर के 15 की जो है कि इंग्लिश के एम हैं ये पेपर जो है कि टोटल पचास नंबर का हुआ है और जो है कि सबसे पहले जो है कि इंग्लिश के पंद्रह एम हैं तो सबसे पहले जो है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग आपने जो है कि सही स्पेलिंग वाले एम जो है कि सॉल्व करने हैं जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है तो वो खुद देख लें कि कितने उनके एम जो है कि दुरुस्त हैं तो सबसे पहला एम सी क्यूज़ है पे यानी तहमुल बर्दबारी तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है पी ए टी आई ई एन सी ई उसके बाद जो है कि हमारा है टोस उसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है टी ओ एल ई आर ए एन सी ई और जो तीसरे नंबर पे हमारा एम सी क्यूज़ है स्टेट टू तो इसका जो है सी ऑप्शन ऑप्शन ठीक है एस टी ए टी यू टी ई तो उसके बाद जो है हमारा एम सी नंबर चार पे जो है कि फोटी बाद बच्चे जो है कि इसे फोर्टी एफ ओ यू आर टी वाई फोटी पढ़ते हैं लेकिन ये लफज जो है कि फोर्टी एफ ओ आर टी वाई इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है उसके बाद जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ये जो है कि आपने खुद से सॉल्व कर लेने हैं एक अंदाजे से मैं जो है कि आपको बता देता हूँ तो पहले में जो है कि वाज आएगा बी शी वाज वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस दो तो उसके बाद जो है कि ही इज़ क्वाइट गुड इन मेकिंग इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है इन अंदाजे से मैं जो है कि कम्प्लीटली मुझे करेक्टली नहीं पता कि ये यही ऑप्शन है इस वजह से मैंने जो है कि इन्हें टिक नहीं किया इन्हें जो है कि आप खुद से सॉल्व कर लें तो जो है सातवां जो है कि हमारा एम सी क्यू से हिट इ नॉट राइट आ लेटर इसका जो है कि सही ऑप्शन ए है राइट डब्ल्यू आर आई टी ई राइट आ लेटर उसके बाद जो है हमारा आठवां एम सी क्यू जो है कि, है कि दे, दे सेड दे वर टार्किंग एक्सरसाइज तो ये जो है कि आपने खुद से सॉल्व कर लेना है बाकी जो है हमारे एम हैं वो मैंने जो है कि सॉल्व किए हुए हैं सोलह नंबर जो हमारा एम है 4.17 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो मैं आपको यहाँ पे आप एक बात बताता चलूँ कि एक मीटर में जो है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आप हिसाब लगा लें कि फोर पॉइंट में जो है कि कितने सेंटीमीटर होंगे तो इसमें जो है कि इसका बी ऑप्शन ठीक है चार जो है कि सेंटीमीटर होंगे क्योंकि एक मीटर में जो है कि सौ सेंटीमीटर होते हैं उसके बाद जो है हमारा एम सी क्यूज है इस इस सीरीज को जो है कि मुकम्मल करना है आपने सीरीज को जो है सीरीज वाले में जो है कि एम सी क्यूज आपको करवाए हुए हैं मैथ के अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख लें उसमें जो है कि मैंने कंप्लीट तरीका बताया है कि सीरीज को किस तरह सॉल्व करना है यहाँ भी जो है मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक दे दूंगा यहाँ पे जो है कि सबसे पहले एक चार सात आठ ग्यारह बारह आप यहाँ ये सीक्वेंस देखें कि एक के बाद जो है कि चार यानी दो ऑप्शन को जो है कि दो नंबर्स को इन्हें छोड़ दिया है दो और तीन को उसके बाद जो है कि पाँच और छः को जो छोड़ दिया है सात आया और उसके बाद जो है कि आठ आ गया मतलब दो दो को छोड़ा है और फिर जो है कि सात किसी को भी नहीं छोड़ा तो ग्यारह आ गया है तो यहाँ पे आप देखें आठ के बाद ग्यारह है दो डिजिट्स को छोड़ा है उसके बाद जो है किसी को नहीं छोड़ा ग्यारह के बाद बारह है और बारह के बाद फिर से हमने जो है दो डिजिट्स को छोड़ देना है यानी तेरह और चौदह को हमें छोड़ देना है तो इसका जो है ऑप्शन बी सॉरी डी जो है कि पंद्रह इसका जो है जवाब होगा वो पंद्रह होगा उसके बाद जो है कि पंद्रह सौ पचास मेगाबाइट में कितने जो है कि गीगाबाइट्स होते हैं तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर एक वन पॉइंट फिफ्टी फाइव ए ऑप्शन इसका जो है कि ठीक है उसके बाद जो है आप जो खाली जगह पूरा पूरा करें तो चार ओवर जो है कि दस इज़ इक्ल टू डैश ओवर पच्चीस तो जो है कि इसका ऑप्शन जो है कि ए ठीक है दस यानी अगर हम जो है कि चार को दस से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है कि जवाब आएगा ज़ीरो पॉइंट फोर और अगर हम पच्चीस को जो है कि दस को जो है कि पच्चीस से डिवाइड करेंगे तो उसका भी जो है कि जवाब जीरो पॉइंट फोर आएगा तो इसलिए जो है कि खाली जगह में जो है कि दस आएगा इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है इसके बाद जो है कि आपको ये नजर आ रहा है अली के पास एक लीटर दूध है नाल अक्बास अली से जो है, यह जो है, है कि यह मुझे ऑप्शन जो है क्लियरली नज़र नहीं आया कि ये वन ओवर टू है या वन ओवर एट है तो इसलिए जो है कि मैंने इसे सॉल्व नहीं किया आपको मैं बताता चलूँ कि एक लीटर में हज़ार मिली होते हैं तो आप इसे जो है अंदाजे से इसे सोल्व कर लें उसके बाद जो है कि इंसानी जिसम के किस अज़ू के चार चैम्बर्स होते हैं तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है दिल यहाँ पर जो है इसके बाद हमारा एम है दूध में पानी की मकदार डैश फीसद होती है तो आपको जो है कि इसका डी ऑप्शन जो है नजर आ रहा है पिचासी ये जो है कि आपको ज्यादातर सतासी ऑप्शन आता है यहाँ पे जो है कि चूंकि का जो है एम नहीं दिया दिया हुआ इसलिए मैं जो है कि पिचासी को टिक किया है उसके बाद जो है कि हमारा एम नंबर तेईस है खून को कौन सा जो है कि अजू साफ करता है तो इसका भी जो है कि डी ऑप्शन ठीक है गुर्दे उसके बाद जो है कि हमारा एम नंबर चौबीस है ए यू किस धात का जो है कि सिंबल है तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है सोना ये सोने की जो है कि सोने की मेटल की सिंबल जो है कि ए यू है इंसानी जिसम के किस अज़ू के इलाज के लिए जो है कि डिलइसिस किया जाता है तो इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है गुर्दे पच्चीस में जो है कि मराम से क्यूज़ है इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ठीक है गुर्दे उसके बाद जो है कि छब्बीस में जो है एम से कूजा आपने खुद से सॉल्व कर लेना है उसके बाद जो है कि हमारा एम है सताइस कौमी असम्बली के कुल मेंबर्स की तादाद डैश है तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है तीन सौ बतालीस उसके बाद जो है कि तुर्की के मौजूदा सदर का क्या नाम है तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है तैयब अर्दगान उसके बाद जो है कंप्यूटर जुबान कंप्यूटर जो है डैश जुबान का लफज़ है ये तकरीबा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर लातनी ज़ुबान का लफज़ है उसके बाद नंबर तीस पर जो हमारा एम सी क्यू है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम क्या है तो इसे जो है कि आपने खुद से देख लेना करंट अफेयर के एमसीक्यूज में जो है कि सॉल्व किया हुआ है पहले जो है कि हमारा साकिब निसार था उसके बाद जो हमारा एमसीक्यूज है एमसीक्यूज हमारा जो है इकतीस है ननकना साहब किस शहर के करीब वाक्य है तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है शेखूपूरा तो उसके बाद नंबर जो है कि तैतीस हमारा एम है पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया तो ये भी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है चौधरी रहमत अली ने जो है कि उन्नीस में पाकिस्तान का जो है कि नाम तजवीज़ किया उसके बाद जो है कि पाकिस्तान में कुल कितनी ज़ुबान बोली जाती हैं तकरीबन मेरे ख्याल से जो है कि इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी ठीक है छब्बीस लेकिन आपने जो है कि इसे खुद से सर्च कर लेना है उसके बाद जो है कि चौंतीस नंबर पर जो है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है ये जो है कि आपको पता होना लाजमी है एक साथ जो है कि डी ऑप्शन ठीक है मारखोर जो है कि पैंतीस नंबर पर हमारा एम सी क्यूज पाकिस्तान की पहली खातून पायलट का नाम क्या है ये इनतहाई इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है मरियम मुख्तार उसके बाद जो है कि छत्तीस नंबर पर हमारा एम सी क्यूज है पाकिस्तान ने वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता ये भी इंतहा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है उन्नीस सौ बानवे में जो है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद जो है कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता तो उसके बाद जो है हमारा एम सी क्यूज नंबर अठतीस पे जो है कि सॉरी सैंतीस में जो हमारा एम सी क्यूज है उन्नीस सौ इकहत्तर में कौन सा बड़ा वाक्य जो है कि पेश आया पाकिस्तान में उन्नीस सौ इकहत्तर में कौन सा बड़ा वाक्य पेश आया वैसे तो जो है कि बहुत से वाक्य पेश आए जो है कि उन्नीस सौ इकहत्तर में जंग भी हुई लेकिन जो है कि यहाँ पर हमारा एम सी क्यू जो है सी है बांग्लादेश की रियासत का क्याम जो है कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी जो, जो है कि उन्नीस सौ इकहत्तर में हुई यह भी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है उसके बाद जो है अठतीस नंबर पर जो हमारा एम सी क्यूज़ है सबसे पहला निशान आधर किस को दिया गया तो इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है मेजर अजीज़ भट्टी को उसके बाद जो है कि उनतालीस नंबर पे जो हमारा एम सी है खैबर पास का बुलंद तरीन मुकाम कौन सा है इसे जो है आपने खुद से सॉल्व कर लेना है भावल नगर का पुराना नाम क्या था तो इसका जो है कि जो है सी ऑप्शन ठीक है लालपुर उसके बाद जो है कि उर्दू के एम सी क्यूज है इन पर जो है मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है और मैक्सिमम एम सी क्यूज उसी में से आए हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देख लें क्योंकि जो है कि ये यहाँ पर जो मैक्सिमम एम सी क्यूज है वो उसी वीडियो में से आए हुए हैं तो पहला हमारा जो है कि इकतालीसवा हमारा एम सी क्यूज है इस लफज इस्लाम का दुरुस्त मुतजाद क्या है तो इसका जो है कि कन्फर्म नहीं है लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि इसका जो है ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कुफर उसके बाद जो है कि बतालीसवें हमारे एम सी क्यूज हजों के लिहाज से दुरुस्त लफज मुंतब करें तो इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है अलामती उसके बाद जो है तरतालीस नंबर पर जो हमारा एम सी क्यूज है लफज मुतवा हम मायने लफज क्या है तो इसका जो है हम मायने लफज है लगातार उसके बाद जो है चौतालीस नंबर पर जो हमारा एमसी क्यूज है पैंतालीस तो एमसीक्यूजाई तो है, है, है तो आपको जो है, पता है कि एक मिलियन में दस लाख होते हैं तो इसका चौथाई हिस्सा जो है अढ़ाई लाख बनेगा यानी दो लाख पचास हजार बनेगा इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है अढ़ाई लाख उसके बाद जो है कि छियालीसवा हमारा एमसी क्यूज है गजल का आखिरी शेयर जिसमें जो है तख्लस हो इसे कहते हैं अगर जो है कि गजल के या जो है कसीदे के आखिरी शेर में शायर अपना जो है तख्लु बयान कर दे तो उसे मकता कहते हैं और अगर जो है कि शायर अपना तखलुस बयान ना करे तो उसे जो है कि गज़ल का आखिरी शायर शेर कहेंगे ना कि कोई मकता या मतला नहीं कहेंगे सिर्फ जो उसे जो है कि गजल का आखिरी शेर कहेंगे तो यहाँ पर जो है कि छियालीसवें हमारा एम से है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें जो है कि तखलुस हो इसे कहते हैं इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है मकता और उसके बाद जो है सैंतालीसवां हमारा एम सी क्यूज़ है परख का मतलब क्या है यानी परखना परखना का मतलब जो है कि ए ऑप्शन इसका ठीक है, है समझना किसी को जो है कि समझना उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमारा अठतालीस है कौन सी किताब जो है कि मुकदस और पाक नहीं कहलाती दीवान गालिब इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है उसके बाद जो है कि उनचास नंबर पर जो हमारा एम सी क्यूज है मायने के लिहाज से मुख्तलिफ तलफ़ को अलग करें तो यहाँ पर जो है जहन्नुम और दोजा का मायने एक ही है लेकिन जो है कि इसे मैंने जो है सॉल्व नहीं किया इसे आप जो है खुद से सॉल्व कर लें पचास में जो है कि हम सूज है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें जो है कि तखलुस ना हो इसे कहते हैं वही बात आ गई जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जिस शहर में जो है कि तखलुस बयान हो उसे मक्ता कहते हैं और जिसमें जो है तख्लु शायर अपना तखलुस बयान ना करे उसे जो है गज़ल का आखिरी शेर कहेंगे उसे मकता नहीं कहेंगे तो इसका जो है कि ये ऑप्शन ठीक है आखिरी शेर तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़